subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ़ोटो एडिटिंग के बारे में। जी हाँ, फ़ोटो एडिटिंग। हम ये फ़ोटो एडिटिंग स्नैपसीड ऐप से करेंगे। इस फ़ोटो एडिटिंग को करने में आपको सिर्फ 30-40 सेकेंड का टाइम लगने वाला है, और इस फ़ोटो एडिटिंग को आप वन टैप फ़ोटो एडिटिंग भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको दो एंड्रॉयड की ज़रूरत होगी। जी हाँ, दो एंड्रॉयड। एक में आप अपना QR लोग गूगल से निकालेंगे, एक में आपके में स्नैपसीड ऐप होना चाहिए जिससे आप स्कैन करेंगे। तो चलिए ये कैसे करना है ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने स्नैपसीड ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये प्लस का आइकन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है। हाँ, यहाँ से आपको स्कैन QR लुक पे क्लिक करना है। फिर आपको गूगल में जाके स्नैपसीड QR कोड टाइप करके वहाँ से आपको अपने पसंद का एक QR कोड ढूंढ लेना है और उसको स्कैन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैं QR स्कैन कर रहा हूँ, और ये देखिए इसको स्कैन करने के बाद फ़ोटो में क्या गजब का लुक आ रहा है। और आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपना कोई दूसरा QR भी स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फोटो एडिटिंग करें। उसके बाद आपको अपनी इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपनी इमेज एक्सपोर्ट करें। एंड बाय बाय गाइस। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।